नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आर्मी ऑर्डिनेंस कॉरपोरेशन की जो फुल नोटिफिकेशन आ गया है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ट्रेड्समैन मैट की दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। ITI वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर और फायरमैन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 1249 तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मैट के लिए है और 544 वैकेंसी जो है आपकी फायरमैन के लिए है। तो हम अगर UR की बात करें तो ट्रेड्समैन मेरिट में 508 वैकेंसी है, EWS में 124 है, OBC में 337 है, SC में 187 है, ST में 93 है। और यहाँ पे जो रिजर्व फोर्स एक्स सर्विसमैन और ये इन सब के लिए यहाँ पे है, फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए, तो ये सब आप देख लेना दोस्तों। और आपका यहाँ पे जो पे स्केल है 18,000 से 56,900 के बीच में रहने वाला है ट्रेड्समैन मेरिट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में UR में 222 है, EWS में 54 वैकेंसी है, OBC में 147, SC में 81 और ST में 44। टोटल यहाँ पे 544 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 54 है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 20 हैं और MSP के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी है। और यहाँ पे इनकी सैलरी दोस्तों 19,900 से 63,200 रहने वाली है, यानी कि जो मूल वेतन है आपका 19,900 रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आज हम A to Z इसमें जो भी योग्यताएं हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिजिकल का क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है और क्या यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो ट्रेड्समैन मेट है उसके लिए 18 से 25 साल आपको एज होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी मैं दिखा दूंगा कितने कितने रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो यानी कि आपको 10वीं पास होना चाहिए और अगर आपके पास साथ में अगर ITI है तो भी बढ़िया है। ये डिजायरेबल है दोस्तों, एसेंशियल नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर 10th पास है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ITI के लिए ना कोई भी इन्होंने स्पेसिफाइड ट्रेड नहीं मांगा है, केवल यहाँ पे सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो किसी भी ITI ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम फायरमैन की बात करें, फायरमैन में 18 से 25 साल एज है और साथ में यहाँ पे 10th क्लास मांगा है ओनली। अगर आप 10वीं पास है तो इसको भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, SC ST के लिए 5 साल का है जो एज पर रूल है, और OBC के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में जो अनरिजर्व में 10 साल, OBC के लिए 13 साल और यहाँ पे SC ST के लिए 15 साल। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है तो ये एज रिलैक्सेशन ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे अगर फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो ट्रेड्समैन मेट के लिए आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, मतलब ये स्टेज 1 है क्वालिफाई नेचर का होगा, दूसरा होगा आपका स्टेज 2 जो कि रिटन एग्जाम होगा। तो आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो स्टेज 2 से बनने वाली है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पे आपकी 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा, मेल कैंडिडेट के लिए है। और दूसरा यहाँ पे कैरिंग ए वेट 50 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में दोस्तों आपको 50 किलो का वजन रख के 200 मीटर की आपको चाल चलना है दोस्तों, ये आपको कवर करना पड़ेगा 50 किलो रख के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जो 40 साल से इनकी कम एज है, बिलो 40 ईयर्स है, तो 1.5 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करनी है 7 मिनट 11 सेकंड में और इनको भी 50 kg वजन यहाँ से उठा के 200 मीटर, और इनका थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, 2 मिनट में इनको करना है, 120 सेकंड में करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके लिए दोस्तों अगर 45 साल से ऊपर हैं तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 9:22 में कर दी गई है, और वजन जो 50 kg है वो 200 मीटर 2:40 में कर दिया है दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट की हम यहाँ पर बात करें तो 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग 8:26 में करना है, और यहाँ पे वजन भाई इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया इसमें, वेट में फीमेल के लिए 50 kg ही रखा है और डिस्टेंस 200 मीटर है 3:45 में, समय का थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हाइट की, हाइट यहाँ पे विदाउट शूज दोस्तों हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ ST कैटेगरी। अगर ST कैटेगरी से हैं तो 2.5 सेंटीमीटर कम चलेगा आपका।
तो यहाँ पे चेस्ट दोस्तों 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूला हुआ चेस्ट जो है 85 होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 केजी होने वाला है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ये फायरमैन का हम बता रहे हैं दोस्तों। फायरमैन में यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग है और जो कैंडिडेट ई जो एक्स सर्विसमैन है फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8 मिनट 26 सेकंड और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे ये जो दिया है दोस्तों बिलो 40 साल से अगर नीचे हैं तो 7 मिनट 11 सेकंड और 40 से 45 साल के बीच में है तो 7 मिनट 48 सेकंड और अगर ऊपर हैं 45 साल से तो 9 मिनट 22 सेकंड का यहाँ पे समय दिया हुआ है। और दोस्तों इसको आप देख लेना, मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका पेपर होने वाला है 2 घंटे का और इससे ही आपकी मेरिट बनेगी, इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 ही मार्क्स के रहेंगे और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। टोटल 150 को आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और समय आपको 2 घंटे मिलेगा। अगर आप विजुअल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों समय बहुत कम है इसमें और क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं आपके लिए और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो मतलब 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। ज़रूर आप इसमें फॉर्म भरिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।